दोस्तों ये जो आप स्विच देख रहे हैं ना, ये जो स्विच है माइक्रो स्विच है, ये हमें एक एलईडी टीवी में लगाना है, उसका स्विच खराब हो गया है, ठीक है, उसका रिमोट नहीं मिल रहा है, इसलिए जो है इस स्विच को ही ज़्यादातर यूज किया गया, मतलब वहाँ पे पावर ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है, स्टैंड बाय से रिलीज करने के लिए। तो ये स्विच जो है मार्केट में हमें नहीं मिल रहा है, तो एक जो है पुराना बोर्ड है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसका जो है मेन आईसी जो है इसका प्रॉब्लम है, तो ये बोर्ड किसी काम का नहीं है, तो यहाँ पे इस तरीके का स्विच लगा हुआ है, ठीक है। तो ये मार्केट में ज़्यादातर मिलता नहीं है, कहीं से हमें निकाल को डालना ही होता है, तो यहाँ पे इससे हम निकाल के डालने वाला हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में मेन चीज़ आपको यही दिखाऊंगा कि अगर आपके पास हॉट एयर गन नहीं है, आप जो है आयरन से निकालना चाहते हैं, तो इसको ईजिली कैसे निकाल सकते हैं और डाल सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सिंपल यहाँ पे तरीका मैं आपको बताऊंगा। बहुत से लोग जो है यहाँ पे लेग पे आयरन लगाएंगे और निकालेंगे, तो उससे जो आपका स्विच ख़राब भी हो सकता है और हो सके तो निकलेगा भी नहीं, ठीक है। अगर आप यहाँ से आयरन से लगा के निकालते हैं तो निकालने में काफ़ी दिक्कत करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल एक तरीका बताने वाला हूँ, इस तरीके का स्विच को आप कैसे निकाल सकते हैं। काफ़ी सिंपल है, इस तरीका से अगर आप निकालते हैं तो ईजिली निकल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि जो है आपको अच्छा से मैं दिखा सकूँ, ठीक है। वीडियो छोटा होगा बट यहाँ पर इंफॉर्मेशन मैं आपको काफ़ी अच्छी देने वाला हूँ। अगर आप जो है इस तरीके से इसको स्विच को निकालते हैं तो आपका जो है आसानी से निकल जाएगा। आपको जो है इस तरीके से आयरन लेना है और आयरन जो है आपका हीट होना चाहिए, ठीक है, अच्छा तरीका से। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर कर लिया। अब जैसे इस स्विच को हमें निकालना है तो निकालने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा जो है पेस्ट लगाएंगे, देखिए इस तरीका से यहाँ पर जो है हम पेस्ट लगा लेंगे, ओके। यहाँ पर हम एक ही स्विच को निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें जो है एक ही का काम है, अगर चाहे तो पूरा को भी निकाल के हम रख सकते हैं, बाद में निकालेंगे, अभी जो है आपको दिखा रहा हूँ किस तरीका से निकालना है। तो ये जो रहा मेरा आयरन रहा, यहाँ पे हम इस तरीका से लगाएंगे, देखिए यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे इस तरीका से आपको लगाना है। और आयरन जो है आपका 60 वाट का ही होना चाहिए, अगर आप छोटा आयरन से निकालेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत करेगा, बट यहाँ पे इस आयरन को अगर आप यूज़ करते हैं तो आसानी से ईजिली निकल जाता है। देखिए यहाँ पे जैसे जैसे ये हीट पूरा जाएगा तो ये आसानी से मेल्ट हो जाएगा, इसका जो भी शोल्डर है आसानी से मेल्ट हो जाएगा और ये जो है निकलने के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। आप जो है एलईडी वगैरह SMD एलईडी होता है उसको भी आप इस तरीका से निकाल सकते हैं, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ ये तरीका, बट बहुत से लोग जो है मेरे नए चैनल पर जुड़े होंगे तो उन लोगों को पता नहीं होगा, तो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर धीरे धीरे ये हीट हो रहा है, देखिए अभी जो है ये हीट शायद हो चुका है, चलिए यहाँ पे निकाल के देखते हैं, अभी नहीं हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे और वेट कर लेते हैं। जब ये अच्छी तरीके से हीट हो जाएगा तो यहाँ पे शोल्डर जो है मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये जो है आसानी से निकल जाएगा। देखिए थोड़ा सा और जो है इंतज़ार करना होगा, देखिए कितना आसान तरीका से जो है निकल गया, ठीक है। इसी तरीका से इसको भी हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे जितना भी स्विच है हम निकाल के जो है काम में यूज में ले सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मैं इधर करता हूँ ताकि आपको जो है दिखाई दे सके, अभी जो है हीट हो चुका है, ठीक है। अगर यहाँ पे निकालना चाहूँ तो ये जो है जल्दी जल्दी ही अब निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो है हीट है सही बोर्ड में पहुँच चुका है। देखिए कितना सिंपल तरीका से ये जो है निकल जा रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीका से जो है आप इस माइक्रो स्विच को आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें आपका ज़्यादा वो भी नहीं करना पड़ेगा, मतलब आपका जो है नुकसान भी ज़्यादा नहीं होगा, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और ये जो है सिंपल तरीका भी है निकालने का, ठीक है। तो यहाँ पे सभी स्विच को हम बारी बारी से निकाल लेंगे, फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। अगर आपको जो है ये तरीका अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।